तो फ्रेंड्स ये जैसे कि देख पा रहे हो शॉकर कुछ इस तरीके से खुलता है, और चाचा के पास हम लेकर आए हैं शॉकर रिपेयर करने को। और ये है पैशन का पीछे का शॉकर फ्रेंड्स, एक बार रिपेयर हो चुका है फिर दोबारा रिपेयर कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से खोलना पड़ता है जैसे कि देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा बहुत जानकारी जितना हो सके देने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए फ्रेंड्स इस वीडियो में। जैसे कि इस तरीके से एक खोल चुका है, ठीक है, तो दोबारा हम एक और को खोल लेंगे। उसके बाद देख पा रहे हो जैसे कि इस तरीके से बढ़िया से साफ़ सुथरा करना पड़ता है, ये रॉड को पहुंच रहा है और ये रबड़ निकल देगा फ्रेंड्स। इस तरीके से रबड़ निकल जाता है, ठीक है, खींचने से निकल जाता है रबड़, और जो पीछे अंदर का जो पिस्टन वगैरह होता है तो फ्रेंड्स जैसे कि पहुंचने के बाद ये भी खोल देगा जो हल्का सा है। अब चलिए क्या करते हैं, ऊपर का 10 mm की जो बोल्ट है उसको खोलेंगे, ठीक है। 10 mm की नहीं, 12 mm की जो बोल्ट है ये खोलना पड़ता है फ्रेंड्स ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद ही क्या होगा, जो रॉड होता है ना फ्रेंड्स, ये शोकर का जो रॉड होता है वो बाहर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से जो अंदर में एक पंचिंग किया होता है रबर को निकलने के लिए रॉड, कंप्रेसर चेक करना पड़ता है। जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं है, कंप्रेसर बनाना पड़ेगा इसको पहले खोलेगा। और कंप्रेसर पहले अभी कैसा है और बाद में कैसा होगा देखना। जैसे कि देख पा रहे हो बिल्कुल कंप्रेसर नहीं है इसमें, देखो कितना इजी आ जा रहा है, तो इतना इजी नहीं आएगा, टाइट आएगा ऊपर ऊपर को, जब भी आएगा टाइट आएगा काफ़ी ज़्यादा, तो बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, बढ़िया से कंप्रेसर बनाना पड़ता है जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स चाचा दिखा रहा है हमको बढ़िया से। तो रिपीट क्या होता है, ऊपर से रिपीट को पहले छुड़ाना पड़ता है, उसके बाद ही क्या होता है अंदर का जो पाइप है जिसको हम खींच रहे थे उसको हम निकालेंगे। पहले रिपीट को निकालना पड़ता है, उसके बाद एक अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स एक वार्सल होता है, वार्सल को निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले रिपीट को हम खोल लेते हैं, देखते रहिए फ्रेंड्स। तो ये निकल रहा है, वार्सल निकल गया हमारा, ठीक है फ्रेंड्स वार्सल निकल गया। जैसे कि खोलना था इस तरीके से, तो चाचा दिखा रहा है। उसके बाद जो साइड का जो रिपीट किया था उसको थोड़ा सा मतलब गैप ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जो वॉल सील है वो बढ़िया से अंदर बाहर की तरफ आ जाएगा, दोबारा हमको रिपीट करने में और आसानी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे कि पीछे का शॉकर रिपेयर करना हमारे पास नहीं होता, ठीक है, ये दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है। जैसे कि पीछे का शॉकर रिपेयर करने के लिए हम आए हैं इस जगह पर, तो चलिए ऑयल सील को हम निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑयल सील निकलेगा हमारा, तो टाइट निकल रहा है थोड़ा सा, तो फाइनली निकल चुका है। ये ऑयल सील होता है फ्रेंड्स, देख सकते हो ये है ऑयल सील, कितना ख़राब हो चुका था, तो गंदगी काफ़ी भरा हुआ है इसमें। तो ये है ऑयल सील, और ऑयल वहाँ से निकल दिया। और अभी चाचा क्या करेगा, रॉड निकल रहा है अंदर का, देख पा रहे हो जो पकड़ा है वो रॉड है, और अंदर का बुश वगैरह है निकल रहा है, जिस देख सकते हो इस तरीके से अंदर में ऑयल होता है, एक सिलेंडर भी होता है अंदर को, ये शॉकर का सिलेंडर कहा जाता है इसको। ये है फ्रेंड्स पिस्टन लगा हुआ है, और ये टोटली रोकर मतलब रॉड होता है। तो चलिए आप 10 mm की बोल्ट को खोल लेते हैं, कुछ इस तरीके से खोलकर हमको पिस्टन वगैरह चेंज करना पड़ता है, अंदर का जो पिस्टन होता है फ्रेंड्स। ये जैसे कि निकल गया, ये देख सकते हो ये पिस्टन होता है, मैं बढ़िया से दिखाऊंगा, ये है पिस्टन देख सकते हो, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कितना दाग लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको चेंज करना पड़ता है। और बार्सल वगैरह भी काफ़ी इसमें होता है, बार्सल छोटा छोटा स्प्रिंग वगैरह होता है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो ये नया रॉड लगा रहा है अभी फ़िलहाल, तो चाचा हमारा जो रॉड था अपना जो रॉड था वो ख़राब हो चुका था, ये नया रॉड लगा रहे हैं फ्रेंड्स। पहले क्या करेगा, वार्सल लगाएगा, उसके बाद दो तीन वार्सल आता है फ्रेंड्स, जैसे कि वार्सल लगाया, ये भी एक पतला सा वार्सल है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरीके से शॉकर रिपेयर होता है पीछे का, ये भी वार्सल एक दोबारा वार्सल डाल दिया, आप क्या डालेगा, ये भी पतला सा वार्सल है, काफ़ी वार्सल होता है फ्रेंड्स इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम ऑयल सील डालेंगे, सॉरी ऑयल सील नहीं पिस्टन डालेंगे, ठीक है, ये होता है पिस्टन, नया डाल रहे हैं फ्रेंड्स। चलिए नया पिस्टन डाल देते, उसके बाद बोल्ट हमारा कस जाएगा इस पर, ठीक है, बोल्ट इस पर 10 mm की बोल्ट को कस देंगे बढ़िया से। तो फ्रेंड्स आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, काफ़ी बढ़िया काम होता है फ्रेंड्स। तो काम हो गया हमारा, एक रॉड कंप्लीट हो गया। अब ये है देख पा रहे हो जैसे कि कितना दाग लग गया था फ्रेंड्स, इसी वजह से इसको चेंज करना पड़ता है। ये दूसरा है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी हम फिट कर लेंगे,
तो ये होता है फ्रेंड्स जो जो फिट कर रहे, ये इसका बूस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बूस्ट होता है पहले वाला ये। तो पहले ऑयल डाल रहे हैं हम, इस पर ऑयल डालना पड़ता है, कैस्ट्रोल का ऑयल डाल रहे हैं। तो आप क्या डालेंगे, ये अंदर में जो सिलेंडर था उसको डाल दिया गया, उसके अंदर में ऑयल डाल दिया गया। अब उसके बाद ये रॉड डाल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, रॉड को पहले फिट करना होता है, उसके बाद कंप्रेसर चेक कर रहा है चाचा। देख सकते हो कंप्रेसर बन रहा है अभी, कुछ इस तरीके से कंप्रेसर होता है जो कि अभी भी बना नहीं है, दोबारा फिर खोल के दोबारा बनाएगा। ये जो पिस्टन है, पिस्टन को चेंज कर रहा है क्योंकि वो वाला पिस्टन बढ़िया से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा दाग लग गया, उस वजह से इसको चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार रिपेयर हो चुका है, उस वजह से परेशान हो रहा है थोड़ा सा। तो चाचा फिर दोबारा पिस्टन को लगा रहा है, दूसरा पिस्टन लगा के फिर देखते हैं, कंप्रेसर बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से देखते हैं, अब दोबारा कंप्रेसर चेक कर लेते हैं एक बार, ऑयल सील वगैरह डाल के देख सकते हो। अब देख पा रहे हो फ्रेंड्स कितना मतलब जाम हो रहा है ऊपर को जाने में, तो इतना का जाम होता है, ठीक है। पीछे का होगा, आराम से बैठ जाएगा, फिर जब उठेगा धीरे धीरे उठेगा, ठीक है, देख सकते हो इतना टाइट होना चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, कंप्रेसर बन गया, इसमें ऑयल सील को फाइनली फिट कर दे रहा है फ्रेंड्स चाचा, ठीक है। तो चाचा कितना खुश हो गया, वीडियो बना रहा हूँ, चाचा भी खुश है। तो ऑयल सील डालने के बाद वाटर सील डाल के फिर दोबारा ठोकना पड़ता है। अब क्या करेगा फ्रेंड्स, रिपीट कर देगा, ठीक है, जैसे खोला था उसी तरीके से रिपीट हो जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हो रिपीट कर दे रहा है फ्रेंड्स। अब देख लो कंप्रेसर कितना ईजी बन गया। तो चलिए फिट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स एक ही का शोकर का मैंने रिपेयर करना दिखाया, और दूसरे शोकर को भी सेम इसी तरीके से रिपेयर करना था, और करने के लिए एक टूल्स होता है अलग से शोकर रिपेयर करने का, अलग से जोगन बनाना पड़ता है जो कि मार्केट में भी खरीदा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है पीछे का और एक दूसरा शोकर, इसको भी फिट कर लेते हैं फ्रेंड्स। पीछे का जो शोकर है वो देख लिया होगा किस तरीके से रिपेयर होता है फ्रेंड्स। तो और क्या क्या चेंज किया हमने, ये जो रॉड होता है ना ये फ्रेंड्स, ये रॉड को भी चेंज कर दिया क्योंकि ये एक बार रिपेयर हो चुका था। और ये जो रॉड होता है ना फ्रेंड्स, ये रॉड देख पा रहे हो, जैसे कि सामने शोकर के प्राइम में जो रॉड दाग लग जाता है, इस तरीके से इसमें भी स्क्रैच आ गया है, निकल खराब हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों में खराब हो चुका है। उस वजह से क्या किया, ये जल्दी मतलब ऑयल सील खराब हो जाएगा और इसमें काम नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसलिए इसको भी चेंज कर दिया गया है। और फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये पिस्टन होता है, ठीक है, शोकर का ये पिस्टन होता है, ये भी चेंज कर दिया गया है क्योंकि इससे काम नहीं जो होता। तो फ्रेंड्स इसको भी चेंज करना पड़ता है, कुछ बाइकों में ये चल जाता है, चेंज नहीं करते। तो ये देख पा रहे हो जैसे कि दोनों चेंज हो चुका। और फ्रेंड्स ये जो होता है, ये ऑयल सील होता है, ठीक है, इसके अंदर में होता है ये ऑयल सील होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये दोनों ऑयल सील है। और फ्रेंड्स देख पा रहे हो ये बुश जो था, बुश को भी नया लगा दिया, जो रबर होता है और रबर को भी लगा दिया, ठीक है, नया, तो अब बढ़िया से काम करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और दोस्तों देख लिया होगा इस तरीके से शोकर पीछे का रिपेयर होता है, ना कि हमारे पास होता है, और अलग से मिस्त्री होता है इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।